देश भर में अगर बढ़ते यौन अपराधों को रोकना है तो हमें बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी ही होगी। ये कहना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध घोषित करते हुए कहा कि बच्चों को महज कानून के बारे में जानकारी देने से कुछ नहीं होगा। अगर देश भर में बढ़ते यौन अपराधों को रोकना है तो स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। सेक्स एजुकेशन को लेकर आमतौर पर ये धारणा बनी हुई है कि इसमें बच्चों को कम उम्र में ही सेक्सुअल एक्टिविटीज, बर्थ कंट्रोल के बारे में जानकारी दे दी जाती है जिससे बच्चे बहक जाते हैं। वहीं कई लोग इसे एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट मानते हैं जो उनके हिसाब से ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज से मेल नहीं खाते। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स को लेकर समाज के कंजर्वेटिव और अनइन्फॉर्म्ड ओपिनियन को खारिज करते हुए कहा है कि इफेक्टिव सेक्स एजुकेशन का मतलब है बच्चों को स्कूल में ही कंसेंट, हेल्दी रिलेशनशिप, जेंडर इक्वालिटी और डाइवर्सिटी के बारे में जानकारी दे दी जाए। कोर्ट ने झारखंड के उड़ान कार्यक्रम का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेक्स एजुकेशन के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट तैयार कर सकती है। सेक्स एजुकेशन को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं।